किसानों की नियुक्तियों में 200 पॉइंट रोस्टर लागू हो। अगली मांग है कि सवर्णों को 10% आरक्षण का प्रावधान रद्द करे सरकार। देश भर में 24 लाख खाली पदों को भरने की भी मांग की जा रही है। आदिवासी परिवारों को वन भूमि से बेदखल ना किया जाए, आदिवासी परिवारों को वन भूमि से बेदखल ना किया जाए, इसकी मांग की जा रही है। भारत बंद के दौरान बंद समर्थकों पर दर्ज मुकदमे करने की मांग भी की जा रही है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, भक्ति का दिव्य समागम, देवों के दर्शन। देव दर्शन लाइव टुडे पर। ब्रज के रसिया हूं या बुंदेलखंड के सूरमा, पूर्वांचल की माटी हो या पश्चिम की हरियाली, सुबह बनारस से शाम में अवध तक, लाइव टुडे, तेज नजर, सही खबर। सफर के दौरान रेल, बस या फिर किसी अन्य जगह पर कूड़ा ना फेंकें। ये सार्वजनिक संपत्ति जरूर है, लेकिन है आपकी सुविधा के लिए। हम बदलेंगे, देश बदलेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां एसटीएफ पर व्यापारी को लूटने का मामला सामने आया है। अपनी ही कहानी में फंस गई यूपी एसटीएफ एक बार फिर। एटीएस के नाम पर किया बड़ा खेल, एटीएस की टीम बताकर व्यापारी को उठाया, एटीएस की टीम बताकर जीडी में डाला तस्करा। बंथरा थाने में एसटीएफ ने खुद को एटीएस बताया और व्यापारी को लूट लिया। कानपुर का आरोपी पुलिस हिरासत से भाग गया और आईजी के निर्देश पर एसएसपी ने पूरी रिपोर्ट मांगी है। इस खबर पर उमेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमेश, इस तरीके का गंभीर आरोप एसटीएफ पर लगा है, एटीएस बताकर व्यापारी को पकड़ा, उसके बाद उसे लूटा और कल फिर एक नई कहानी गढ़ दी, क्या बताना चाहेंगे? हिना जी, बिल्कुल है। एक बार फिर यूपी एटीएस में है, कहीं कहीं ये ऐसी सुर्खियां बनी है जिसको लेकर कहीं ना कहीं हरासमेंट हलाकान है। ये मामला यूपी एसटीएफ का कानपुर के व्यापारियों से रुपए लूटने का ये आरोप लगा था। साथ ही साथ ये दो कारोबारी थे जो कहीं बाहर जा रहे थे एयरपोर्ट पर, जहां पर एसटीएफ के लोग पहुंच कर उनको गिरफ्तार करते हैं और साथ ही साथ अपनी पहचान को लोग छुपाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनको जो जिनकी व्यापारियों को इन्होंने अपने हिरासत में लिया था उनको एटीएस बताया। साथ ही साथ लिखा पढ़ी में भी बंथरा थाने में अगर सूत्रों की माने तो एटीएस बताकर जीडी में बकायदा दाखिल किया गया। तस्करा में ये जिक्र किया गया कि हम लोग एटीएस से हैं, लेकिन जबकि एसटीएस से थे। तो ऐसे में कहीं अपनी पहचान को ये लोग लगातार छुपाते रहे, तो ये मामला संदिग्ध है। और इसको देखते हुए जो आईजी हैं
लखनऊ जोन के उन्होंने करार रुख अख्तियार किया था। उन्होंने बकायदा इस पे एक जांच बैठाने का आदेश दिया था एसएसपी से। उन्होंने कहा था, लखनऊ एसएसपी से कहा था कि जल्दी से जल्दी इसकी एक रिपोर्ट, पूरे मामले की जांच हमको दी जाए। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद उमेश। एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर्स को उड़ान की घोषणा के पहले जय हिंद बोलने का फरमान सुनाया है। एयर इंडिया के ऑपरेशन निदेशक अमिताभ सिंह ने सूचना की जानकारी देते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से सभी क्रू मेंबर्स को हर घोषणा के बाद जय हिंद बोलने का आदेश दिया गया है। बता दें, ऐसा एयर इंडिया में पहली बार नहीं हुआ है, जब प्रबंध निदेशक अश्वनी लोहानी ने मई 2016 में पायलटों को ऐसे ही निर्देश दिए थे। लोहानी ने बताया कि जय हिंद बोलने से पायलट सीधे तौर पर यात्रियों से जुड़ जाते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टुडे। लाइव टुडे, कहीं भी कभी भी, यूपी दिल्ली और उत्तराखंड में आपके पसंदीदा केबल नेटवर्क पर उपलब्ध। ब्रज के रसिया हूं या बुंदेलखंड के सूरमा, पूर्वांचल की माटी हो या पश्चिम की हरियाली, सुबह बनारस से शाम अवध तक लाइव टुडे, तेज नजर सही खबर। महोबा में लगातार हो रही चोरियों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 5 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 5 अवैध देसी तमंचे सहित 11 कारतूस सहित 650 ग्राम नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। पकड़े गए सभी छात्र चोर फिरोजाबाद जिले के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने चोरों के पास से 48,000 की नकदी बरामद की है। जलाउन के पटेलनगर इलाके में अज्ञात चोरों ने एक सुनसान घर को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवरात को साफ कर दिया, इस मौके से फरार हो गए। इस घटना के बारे में जब गृह स्वामी को पता चला तब उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।
बदायूं थाना आलापुर में मुर्गी फार्म में सो रहे व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आला